नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने नशीली गोलियों के अलग अलग मामलों में 12 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में नशीली गोलियों सहित हजारों की ड्रग मनी की बरामद। बठिंडा पुलिस ने 10 टीमें बनाकर चलाया सर्च अभियान। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित कई सार्वजनिक स्थानों की चेकिंग। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस के ADGP राम सिंह की अगुवाई में जालंधर बस स्टैंड पर चलाया गया चेकिंग अभियान। संदिग्ध लोगों की हुई जांच। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने नशीली गोलियों के खिलाफ मुहिम चलाकर बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं थाना ए डिवीज़न की पुलिस ने नशीली गोलियों के 2 थाना सुल्तानविंड के 1 सहित थाना बी डिवीज़न की पुलिस ने नशीली गोलियों के 4 मामले दर्ज करते हुए लगभग 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इन मामलों में पुलिस ने आरोपियों से बड़ी संख्या में नशीली गोलियाँ और हजारों की ड्रग मनी बरामद की है। इस संबंध में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस आयुक्त जसकरण सिंह ने बताया कि थाना डिवीजन ए की पुलिस ने पहले दर्ज मामले में आरोपी निशान शर्मा बटाला रोड और नमक मंडी निवासी राजीव कुमार को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 29,920 नशीली गोलियां समेत 29,000 रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई है। इसी तरह दूसरे मामले में रामबाग निवासी आरोपी विजय कुमार व सुभाष अरोड़ा को नामजद किया गया है, जिनकी तलाशी के दौरान 2,660 नशीली गोलियां और 33,000 रुपए की ड्रग मनी बरामद हुई है। इसके अलावा बासर के गिला बटाला रोड निवासी रामगोपाल, गुमानपुरा गांव निवासी विक्रमजीत सिंह, पंजूरे गांव निवासी जगजीत सिंह और छहरट्टा के बासर के गांव निवासी दलबीर सिंह को 6,860 नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पकड़े गए सभी 12 आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। पिछले 10 दिनों के विच लगभग 50,000 जिहड़े गोलियां ने, जिन्हों टमाडोल जिहड़ियां कि बैंड गोलियां ने, नशे वाली गोलियां ने, वो रिकवर कीतियां ने। कल ही जिहड़ा एक कोई 29,000 गोलियां जिहड़ियां ने वो रिकवर हुई ने। साढ़े जिहड़े इत्थों दे ADCP साहब अभिनम राणा साहब और इन्हां दी टीम, इहदे नाल नाल SHOs कंसर्न ते CIA स्टाफ ने मेहनत करके अपने नाकाबंदी करके स्पैशल चैकिंग दे दौरान ये 10 दिनों दे विच 50,000 जिहड़ियां गोलियां कीतियां ने। और नाल दे नाल जिहड़े नशा वेचदे ने, सप्लाई करदे ने, बणाउंदे ने, उहदे तक असीं जड़ तक जावांगे और उन्हों बकायदा असी कानून जो सजा वध तो वध होएगी वह भी देवांगे। बठिंडा पुलिस की ओर से 10 टीमें बनाकर बठिंडा शहर के रामपुरा पुल, मोड़ मंडी, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की गई। इस दौरान आने जाने वाले राहगीरों के सामान को भी खुलवाकर पुलिस द्वारा चेक किया गया। इस मौके पर SSP बठिंडा JL नचेलियन ने बताया कि राज्य भर में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड्स पर जांच की जा रही है। इसी के तहत बठिंडा में भी अलग अलग स्थानों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की जांच की गई है। आने जाने वाले राहगीरों के सामान को भी चेक किया गया है। वहीं बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम भी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर जाँच के दौरान तैनात रही। आज पूरी पंजाब दी स्टेट दे विच माननीय DGP सर के निशा निर्देश के मुताबिक एक ऑपरेशन ईगल नाम से सर्च ऑपरेशन चल रहा है वक्रे वक्रे जिला में। इस ऑपरेशन के तहत अपने बठिंडा जिला दे विच जिन्हें भी सारे रेलवे स्टेशन हैं और बस स्टैंड दे विच सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। इस तो अलावा थाना दे विच एक स्ट्रांग नाकाबंदी चेकिंग भी चल रहे हैं। अपने बठिंडा जिला दे बठिंडा शहर च रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड, इस तो अलावा मोड़ मंडी, रामपुरा, तलवंडी साबू, जो बाकी सारे जगह पे जो रेलवे स्टेशन हैं और बस स्टैंड से चेकिंग चल रही है। ये चेकिंग असी एग्जैक्टली 11 बजे शुरू किया, ये शाम को 4 बजे तक जारी रहेगा चेकिंग। मेरे नाल एक SP हैं और 10 DSP साहिबान और करीब 400 मुलाजम इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं। बेसिकली
बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के जिन्हें भी पैसेंजर्स आते जाते हैं उन्हों की सुरक्षा वास्ते आदि माड़े बंदे के ऊपर निगाह रखने लिए और ओवरऑल चेकिंग लिए करने लिए ही असं ये ऑपरेशन कर रहे हैं। पंजाब भर में डीजीपी पंजाब के दिशा निर्देशों के चलते सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत एडीजीपी राम सिंह जालंधर कमिश्नरेट पुलिस सहित बस स्टैंड पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा चेकिंग की गई। इस मौके पर एडीजीपी राम सिंह ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर संदिग्ध लोगों, बसों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों की चेकिंग की जा रही है, ताकि जालंधर के लोगों को एक सेफ एनवायरमेंट दिया जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि मिशन की और अधिक जानकारी मीडिया को नहीं दी जा सकती, क्योंकि कुछ चीजें पर्दे के अंदर रहकर चेक की जा रही हैं। आगे उन्होंने कहा कि साल के आखिरी दिन चल रहे हैं और लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी बनाए रखने के लिए ये स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ऑपरेशन ईगल है, वो एक दिन की स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है पूरे पंजाब। इस ड्राइव के तहत डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरेट के जिन्हें भी रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, उन्होंने एंटी सबटेज चेकिंग, एंटी सोशल एलिमेंट की चेकिंग, उन्होंने सिक्योरिटी पक्षों पुलिस वालों स्पेशलाइज चेकिंग की जा रही है। नाल ही हर थाने दे विच एक स्ट्रांग नाका लाया गया, जिस नाके की सुपरविजन एक गजटेड अफसर रैंक के अधिकारी वालों की जा रही है। और उस नाके दे विच भी मोटरसाइकिल की चेकिंग, शक्की बंदियां की चेकिंग, शक्की गड्डियां की चेकिंग, तो होर भी जिहड़े सेफ ते सिक्योर एनवायरमेंट कमिश्नरेट जलंधर नूं देण वास्ते जिहड़ी चीज़ लोड़ींदी है, वो सारी आज इस चेकिंग दे विच कीती जा रही है। बहुता गल्लां मैं मीडिया ते नहीं कह सकता, क्योंकि कई सारी चीज़ां असीं पर्दे ते रह के चेक करदे। इत्थे डीसीपी साहब हैगे जगमोहन साहब, उन्होंने सुपरविजन हैगी, कमिश्नर साहब आप सुपरवाइज कर रहे पर्सनली। मैं चंडीगढ़ तो इन्हों की सुपरविजन से मॉनिटरिंग करन आया, तो इनू गाइड करन आया, तो मैं उम्मीद है कि आज दी ये ड्राइव दा असर एदा कोई पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर होएगा। राज्य भर में पंजाब के डीजीपी के आदेशों के अनुसार ऑपरेशन ईगल के तहत नाभा के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य जगहों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नाभा में डीएसपी दविंद्र अत्री की अगुवाई में रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली गई। इसके साथ ही बस स्टैंड पर आने जाने वाली बसों की भी गहनता से जाँच की गई। इस मौके पर शहरवासियों ने कहा कि पुलिस की ओर से यह जो प्रयास किया जा रहा है, यह बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। जो ईगल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो 11 बजे तो लैके 4 बजे चलना, जिसके तहत नाभा पुलिस वालों मेरे नाल SHO सदर गुरप्रीत पिंडर, SHO कतवाली हैरी बप्पा राय, तो साड़ी सारी सब डिंदी होर से चौकीदार नाल ने। असी इस ऑपरेशन दौरान जोड़े भी कोई भैड़े पुरश ने, जिदा रेलवे स्टेशन की चैकिंग करनी है, असी कोई लवार चीज़ पई आ, बस स्टैंड चैकिंग करनी है, नाकाबंदी स्पैशल नाकाबंदी करके उतों असी चैकिंग करनी है, जो कोई विदाउट नंबर ने ज भैड़े अंसर ने उन्हें स्पैशल चैकिंग होगी। उस उदों अलावा असी जो बैड एलीमेंट उन्होंने घर के भी सर्च कर रहे हैं। हाँ जी, रूटीन देंगे डी जी पी साहब का एक खास ऑपरेशन है ईगल, वो तहत असी जी है ये ऑपरेशन कर रहे हैं, तो जो जो सही लोग ने, वधिया लोग ने, अमन अमान अपना लाइफ जीन, जो बैड एलीमेंट्स ने उन्होंने प्रेशर पर देश बुक कर सके। डॉक्टर B.R. अंबेडकर युवक सेवा क्लब की ओर से 14वां क्रिकेट टूर्नामेंट गांव नंगल करार खां में करवाया गया, जिसमें समाज सेवक अजय पीवल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों के साथ जान पहचान की और नौजवानों को खेलों के प्रति प्रेरित किया। इस अवसर पर मोहित पाल, करण, लक्की जस्सल, गोपी, बिन्नी, रिक्की, हरमन, करमवीर सहित बड़ी संख्या में गाँववासी व खेल प्रेमी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, जिद अजय पीवल जी का बहुत सारा सहयोग मिले है पिंड वासियों, तो ये पहला इनाम 31,000 रुपए, तो दूजा इनाम 21,000, तो होर वक्त इनाम दिते जाएंगे प्लेयर पिंड नंगल करारखा साथ देने के लिए। अजय भाजी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साढ़े पिंड नंगल करारखा 14वां डॉक्टर B.R. अंबेडकर क्लब क्रिकेट क्लब वालों टूर्नामेंट कराया जा रहा है, जिस अजय भाजी वालों बहुत माण
ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਆਊਗੀ ਉਹਨੂੰ 3100 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ 31000 ਰੁਪਈਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟੀਮ ਆਊਗੀ ਉਹਨੂੰ 21000 ਰੁਪਈਆ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। अमृतसर डायसिस ऑफ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से जुड़े मसीही विश्व वासियों को और अन्य लोगों ने सेंट पॉल चर्च में क्रिसमस से पहले आयोजित कैंडल लाइट कैरल सर्विस में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस मौके पर एक कैंडल मार्च भी आयोजित किया गया। इस दौरान अपने हाथों में जलती हुई मोमबत्तियां लिए चर्च के सदस्यों ने इस कैंडल लाइट शांति मार्च में भाग लिया और पृथ्वी पर शांति, लोगों के बीच सद्भावना का संदेश फैलाने के लिए क्रिसमस कैरल लगाए। इस अवसर पर डॉक्टर पी के सामंतराय ने कहा कि क्रिसमस का संदेश देने के अलावा शांति मार्च का विषय आशा, विश्वास, खुशी, शांति और प्रेम है। उन्होंने कहा कि पवित्र बाइबल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को उसकी खुद की एक स्वतंत्र इच्छा दी है जो उसे अपनी पसंद के हिसाब से किसी चीज का चुनाव करने की अनुमति देती है और ईसाई धर्म का सार जरूरतमंद लोगों की मदद करना, मानवीय गरिमा को बहाल करना और लोगों को एक धर्मी, संपूर्ण और समृद्ध जीवन जीने का सही तरीका सिखाना है। इस अवसर पर डैनियल बी दास ने विश्व शांति के लिए प्रार्थना की और लोगों को क्रिसमस एवं नव वर्ष की शुभकामनाएं भी दी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। एज प्रॉपर्टी मैनेजर काम करना है और जो मैसेज विशेष साहब ने दिया कैंडल लाइट सर्विस है जी। और कैंडल लाइट सर्विस इस करके ऐसी बाहर लेके जा रहे हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया का चानण, क्योंकि वो खुद चानण से चानण मंडल वास्ते आया कि और उन्हें फिर सानू क्या भी तुम चानण हो ताकि असी हनेरे दियां शक्तियां दे विरुद्ध जिहड़ी मनुखता है उन्हां नूं इस लायक बना सकीए कि हनेरे दियां शक्तियां दे विरुद्ध चल के ते चानण फैलाउण, रोशनी फैलाउण ताकि मनुखता दी सेवा हो सके। यहाँ सेंट पॉल चर्च में कैंडल लाइट सर्विस होगी और उसके बाद जितने भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे, भक्त आएंगे, ये रास्ता पे जाएंगे और मोमबत्ती लेकर जिसको हम कहते हैं कि कैंडल लाइट मार्च है जी। और ये आज दुनिया में जो परिस्थिति है जिसमें कि फिर से कोरोना का एक भय भी लोगों के बीच में आ गया है जी, 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 जी। पहले से तो वो उतरा ही नहीं, फिर ये एक भय आया है। बाकी पंजाब में और देश में विदेश में जो स्थितियाँ हैं जिसमें कि लोगों के बीच में बहुत सारे भय का कारण है, लोग इसकी सूरज की रोशनी में भी उनके जीवन ऐसे होता है कि जैसे कि अंधेरे में है। तो कभी कभी तो ऐसे होता है कि हमें सोचना पड़ता है कि दूसरों की ज़िंदगी में जो अंधेरा आती है उसके लिए क्या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। और क्रिसमस का जो समय आया है उसमें हम स्मरण करते हैं यीशु मसीह का जो कथन है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। और यह हम जानते हैं कि जहाँ ज्योति है वहाँ जरूर अंधेरे का कोई काम नहीं होता है। भारत के प्रमुख ओमिनी चैनल ज्वेलरी ब्रांड कैरेट लेन ने जालंधर में अपना पहला स्टोर लॉन्च किया। जालंधर में यह स्टोर भारत का 158वां स्टोर और उत्तर क्षेत्र में 50वां स्टोर है। जालंधर हमेशा से ब्रांड के लिए एक मजबूत पकड़ रहा है और इसलिए इस स्टोर के स्थान के रूप में इसकी पहचान की गई। ब्रांड हर पिन कोड में सभी प्रकार के परीक्षण उपलब्ध करवाने पर केंद्रित है जहाँ ग्राहकों की मजबूत रुचि है और यह स्टोर ऐसे ही एक कैचमेंट की जरूरतों को पूरा करेगा। ग्राहक कैरेट लेन के प्रतिष्ठित संग्रहों जैसे बटरफ्लाई और नए अन्य लॉन्च हैरी पॉटर संग्रह के साथ साथ आधुनिक मंगलसूत्र, क्लासिक स्टड, ब्रेसलेट रिंग जैसे अपने सबसे लोकप्रिय आभूषण खंडों की खोज और डिजाइन करने में सक्षम होंगे। बड़े पैमाने पर दर्शकों और विभिन्न अवसरों को ध्यान में रखते हुए स्टोर में इस सीजन में बच्चों के आभूषण और शादी के जश्न के लिए पर्याप्त विकल्प भी होंगे। यह जानकारी कैरेट लेन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अतुल सिन्हा ने दी। उन्होंने कहा कि जालंधर में अपने पहले स्टोर का उद्घाटन करने और उत्तर क्षेत्र में अपनी पैठ बढ़ाने को लेकर वे खुश हैं। जालंधर से हलचल के लिए पवन कनौजिया की रिपोर्ट। जालंधर में ये फर्स्ट स्टोर है इन द सिटी और टोटल पंजाब में ये फोर्थ स्टोर है जो हमने खोला है यहाँ पे।
कैरेटलेन तनिष्क पार्टनरशिप टाइटन का ब्रांड है, टाइटन की सब्सिडरी। और सबसे खास बात इसकी ये है कि ये बहुत ही अफोर्डेबल और एक्सेसिबल ज्वेलरी है। हमारे टोटल पैन इंडिया 170 स्टोर्स हैं जिसकी डायनेमिक इन्वेंट्री है, जिसको हम बोलते हैं कि अगर कस्टमर को कुछ भी हमारे जो ऑनलाइन में 7000 डिज़ाइंस हैं कुछ भी पसंद आता है और वो अगर इस स्टोर में फिजिकली प्रेजेंस नहीं है तो विद इन 2 डेज टाइम वो जलंधर स्टोर में हम डिलीवरी दे देते हैं। सबसे बड़ी खासियत इस ब्रांड की ये है कि विद इन 15 डेज टाइम अगर कस्टमर को पसंद नहीं आता है प्रोडक्ट खरीदने के बाद तो वापस ला के एक्सचेंज कर सकते हैं और बायबैक भी ले सकते हैं विद नो हिडन चार्जेस। यानी जितना प्राइस आपने पेमेंट दिया है परचेज़ के वक्त उतना ही आपको या तो बायबैक आपको पूरा वापस मिल जाएगा विद इन 15 डेज, या आप उसका कुछ भी एक्सचेंज करके ले सकते हैं। तो ये सबसे बहुत यानी अच्छी खासियत है इस ब्रांड की। प्लस इसमें एडिशन मैं ये करना चाहूँगा कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो कॉलेज गर्ल से लेके वर्किंग वूमेन से लेके एल्डरली पीपल, यानी एज ग्रुप आप लगा सकते हैं 18 to 50+। तो इतने एज ग्रुप में कोई भी ये ज्वेलरी अफोर्ड कर सकते हैं और ले सकते हैं। एंड इट्स वेरी कॉम्प्लीमेंट्री टू द पर्सनैलिटी क्योंकि बहुत लाइट वेट होता है ये। हम जो डायमंड यूज़ करते हैं वो रियल डायमंड्स होते हैं, नेचुरल डायमंड्स होते हैं, इसमें कुछ हम क्लस्टर यूज़ नहीं करते हैं। अगर छोटे से छोटा डायमंड है वो 57 फेसेट्स वाला ही डायमंड है और हॉलमार्क ज्वेलरी है। 20% डायमंड के ऊपर ऑफ चल रहा है जो कि अगले 3 दिन तक चलेगा, तो कस्टमर्स इसका फ़ायदा उठा सकते हैं आगे। यहाँ पे ये 12th स्टोर है जो एडिशन हुआ है, हाँ नॉर्थ 3 जोन में। टोटल नॉर्थ में आई थिंक 50+ स्टोर हो चुके हैं टोटल नॉर्थ में। तो पंजाब में जैसा कि मैंने बोला कि ये दिस इज़ 4th स्टोर, हमारे अपकमिंग स्टोर्स भी आने वाले हैं पंजाब में, भटिंडा, अमृतसर, फिर हम J&K में भी एक्सपेंड कर रहे हैं, हिमाचल में भी एक्सपेंड। हेलो एवरीवन, ऑन बिहाफ ऑफ कैरेटलेन आई विश ऑल द जलंधराइट्स अ मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। वी हैव ओपनड अप आवर कैरेटलेन स्टोर एट मॉडल टाउन जलंधर विच इज़ द हब ऑफ द ऑल ब्रांड्स and which is the the marketing where people visit a lot. This is our first store of CaratLane and the association with the brand has been very good. The jewelry which they are offering has got unique designs which are not available in any other brands, which are affordable. The company policies are very flexible. You can buy, you can return, you can do so many things with it. And let me tell you one thing, mujhe ye aapko dasan di badi khushi hundi hai ki Jalandhar ne bade acha inu receive kita brand nu and the store di performance aaj tak bahut achhi hai। दिड़बा के गांव रोगला में चल रहे गंदे पानी की निकासी के लिए नाले के निर्माण कार्यों पर गांववासी खुश नहीं हैं। उन्होंने गांव की पंचायत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जो यह काम चल रहा है उसमें इस्तेमाल किया गया मटेरियल घटिया क्वालिटी का है, जिस कारण नाला बनाने से पहले ही टूटता जा रहा है। इसलिए गांववासियों ने सरकार से मांग की है कि इस काम की जांच करवाई जाए। वहीं जब हमारी टीम ने गांव की महिला सरपंच से बात करनी चाही तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और महिला सरपंच के पति जगमेल सिंह ने कहा कि गांव में चल रहा काम अभी अधूरा है और लोगों ने घरों का पानी छोड़ दिया है, जिस कारण यह मुश्किल आई है। उन्होंने कहा कि काम बिल्कुल सही करवाया जा रहा है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। ये जड़ा नकासी नाला बनया है, ये निजमां दे बिल्कुल धजियां उड़ाई है, ये ते समान पूरा नहीं लाया। पानी जड़ा भी आया थोड़ा जा घरां दा पानी आया, वो चलन दे बजाय बैड दे विच जा रहा है, जिमें खड्डा पईआं हुंदियां, समान सही नहीं लग्या हैगा, ये च करप्शन हुई है, सही ढंग नाल नहीं बनया हैगा। किहनूं कोई दोषी मानदे सी इहदे विच? ये च ठेकेदार ते ग्राम पंचायत है, सरपंच है। कौन ने सरपंच रो? सरपंच इत्थे लेडी है हरदेव कौर, पर ओहदा कदे मैं इत्थे देखिओ नहीं, साइड ते आई ओहदा घर वाला भी सर्विस करदा है, गेड़ा मार के लंघ जांदा है। इहनां दे सारिआं दी हिस्सेदारी है। बहुत है जी, कम चल रहा है, हाले हाले कम चलते चलते लोगों ने पानी छड़ता उस कच्चे च, तो उन्होंने काम पूरा किया जाऊगा बाद च, यही जी गल नहीं है कि मैं लाभे खड़के कब कराऊंगा।
ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰਾਉਂਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਾਲ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਘਟੀਆ ਵਰਤ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਸਮਾਨ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, 5-1 ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ 6-1 ਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ 5-1 ਦਾ ਲਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਲਾ ਦੂ। ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਂ ਬੜੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੋਂ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਕੋ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਹੈ, 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28-29 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਨਾ ਰਹੇ। ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਹੋਰ ਅਣਗਿਣਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸਥਿਤ ਅੰਕਲ ਜੈਕਸ ਮੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਾਰਨੀਵਲ ਔਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੇ ਵਿਭਿੰਨ ਬ੍ਰਾਂਡੋ ਕੇ ਉਤਪਾਦੋਂ ਕੋ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਨ ਗੇਮਸ ਕਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਓ ਨੇ ਬੜ ਚੜ੍ਹ ਕਰ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਜਕੋ ਨੇ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕੋ ਕੇ ਲੀਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਏ ਹੋਏ ਥੇ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਪਵਨ ਕਿਰਨੋਜੀਆ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੈਂ ਪਰਿਕਾ ਧਮੀਜਾ ਚੋਪੜਾ ਫਰੋਮ ਸਪੇਸਿਸ ਇਟ ਨੀਡਰਸ ਬਾਏ ਪਰਿਕਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਹੈਂਡਮੇਡ ਟ੍ਰੈਜਰਸ ਬਾਏ ਗੈਗਸ ਤੋਂ ਗੈਗ ਸੰਧੂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਸਿੰਗਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਵੈਲੇ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਵੈਂਡਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਂਸਰਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੋਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਲਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਹੈਂਡਮੇਡ ਟ੍ਰੈਜਰਸ ਬਾਏ ਗੈਗਸ ਦਾ ਸਟੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਪੇਸਿਸ ਇੰਟੀਰੀਅਰਸ ਬਾਏ ਪਰਿਕਾ ਦਾ ਸਟੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੈਗ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਿਕਾ। ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਂਡਲੂਮਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼, ਪਲੈਸ ਔਨ ਨੇਲਸ, ਹੇਅਰ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼, ਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਲਾਂਟਰਸ, ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਡਿੰਗ ਲਹਿੰਗਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੈਡਿੰਗ ਜੂਲਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੈਪੁਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਹਿੰਗਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜੈਪੁਰੀ ਸੂਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਰੋ ਕਾਰਡ ਰੀਡਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਐਂਡ ਗਰਮ ਸ਼ੋਲ ਐਂਡ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਪੋਂਸਰਸ ਹੈਗੇ ਰਿਚੀ ਟਰੈਵਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਲ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲਾਈ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ 'ਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟ ਹੈ, ਰੇਟ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ
ਜੈਕ ਦਾ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। करतार फ्यूचर वर्ल्ड सैमसंग प्लाजा की ओर से हैप्पीनेस कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें ड्राइंग और मॉडलिंग कंपटीशन करवाए गए। ये कार्यक्रम F9 मीडिया के सहयोग से करवाया गया। इस मौके पर करतार फ्यूचर वर्ल्ड के MD जसपाल सिंह, MD हरजोत सिंह, मैनेजर भूपेंद्र सिंह ने विशेष रूप से शिरकत की। इस मौके पर बच्चों द्वारा मंच पर अपनी माताओं के साथ मॉडलिंग भी की गई। विजेता रहे प्रतिभागियों को विशेष रूप से पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर सेल्स हेड आशा सहित अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू, जिन्होंने हेल्प की उनको पास कर दिया उन्होंने, वेरी गुड, ऐसे ही होना चाहिए। व्हाट अ ऑनेस्टी मैम, गुड गुड, एंड थैंक यू सो मच डैनिक सबेरा, एंड बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स अ मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी, सो आपके बिना हमारा फंक्शन अधूरा, ये इवेंट अधूरा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रॉम करतार फ्यूचर वर्ल्ड। थैंक यू स्पेशल सदा जो कि एमडी मोहम्मद अर्जुन सिंह जी है, सो उन्होंने सानू दसी, सो समान तो सारे लोग अपनी दुकानों पर बेचते हैं। अज इतने आके वेखने एक नवा नज़ारा मिले है, जिन्हें सानू ये देखने मिले है कि बच्चों को उत्साहित किया जा रहा है ड्राइंग एंड पेंटिंग वास्ते, पेरेंट्स को बच्चों के नाल इनवॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि आज जो समय है जिंदे भाईजोट लगी हुई है, एक दूजे को आप समा नहीं दे पाते। सो इस दुकान के असी पहली बार ये नज़ारा देखे है, जिंदे माँ बाप बच्चे रल के गेम्स कर रहे हैं। सो मैं भी लगता है कि इस तों बाद माँ बाप के बच्चों के जोड़ा मिलापड़ा बनना होर ज़्यादा बढ़ेगा। सो इस तरह दीम्स जड़ियाँ ने शहर के होर जगह भी होनी चाहिए ने, सो बधाई के पात्र ने। सो मैं इन्हों का बड़ा पुराना कस्टमर हाँ, सो इन्हों को जड़िया भी चीज़ा असं हम तक लैके गए हैं, सो सारिया ही बहुत वजी रही ने, सलाह बहुत वजी देंगे ने। सो इतें तुम बेशक जरूर आओ, आके मिलो एक बार, थोड़ी जिदा की भी लौड़ हैगी है, तुम इलैक्ट्रॉनिक्स लेना चाहते आके जरूर एक बार मिलो। सो मैं तो यही कहूँगा जी, इन्हों 100 out of 100 ही मैं दया लगा। मैं प्रोग्राम बच्चों वास्ते सलीक किया जा रहा है, तो सारिया ने बड़ा उन्होंने पसंद किया है। तो नाले मैं 25 दिसंबर तो नाले 31 दिसंबर की बधाई दोनों की बधाई आप सारू सारी संगत को बधाई। अज असी इतने पुजे हैं सैमसंग प्लाजा नामदेव चौंक, अज साडे BNI मैंबरस ने हरजोत सिंह जी ने ते साडे मैडम नवजोत जी ने कोलैबोरेशन दे विच अज्जे क्रिसमस दा एक ईवेंट रखा है बच्चों वास्ते ते उहनां दी मदरस वास्ते, जिहदे विच कि ड्रॉइंग कंपीटिशन और मॉडलिंग कंपीटिशन रखा गया है। असीं सारे अज्ज उत्थे आए हाँ, सानूं बहुत अच्छा लग्या देख के, ये बहुत वधिया इन्हां ने इनीशिएटिव लिता है। इदां दे इनीशिएटिव होर भी जलंधर दे आने वाले टाइम होर शोरूम्स नूं होर इलैक्ट्रॉनिक स्टोर्स नूं भी इन्हां नूं फॉलो करना चाहिए है। हरजोत जी सारिआं तों अलग काम हमेशा करके दिखाते हैं, जिदा कि दिवाली के मौके पर भी इन्होंने रात को 12 बजे तक शोरूम खोलन का जोड़ा टीचा चक्या सीगा, उहदा इन्हां बहुत बेनीफिट मिलिया और लोगों ने इन्हां नूं फॉलो किया उस चीज़ वास्ते। और वैसे भी हमेशा असं देखते हैं हरजोत जी सारिआं तों एक कदम पहले ही अगे रहिंदे है, तो अज्ज दा जिहड़ा इवेंट इन्होंने बहुत वधिया इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं उहदे वास्ते इन्हां नूं बहुत बहुत बधाई दिंदा। साढ़े नवजोत मैडम जिहड़े कि पहले ही बहुत खास है जी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करन च, ते अज्ज दे इवेंट वास्ते मैं उहनां नूं बहुत बहुत बधाई दिंदा, ते सारे दैनिक सवेरा दे पात्रां नूं भी दर्शकां नूं नवें साल दियां ते क्रिसमस दियां लख लख बधाईआं। अज्ज आपां सारे मिलके इत्थे मोमेंट वीक इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हां, जिहदे विच छोटे बेबीज़ दी आपां कंपीटीशन रखिया ड्रॉइंग दा ते लेडीज़ दा नाल मॉडलिंग दा मदर्स दा। इहदे लई असीं सैमसंग वल्लों स्पैशल जलंधर वासियां लई बहुत सारे ऑफर्स लैके आए हाँ। अज तो लैके 31 दिसंबर तक असी 1,00,000 रुपये का डिस्काउंट LEDs से दे रहे हैं, 20,000 का डिस्काउंट रेफ्रिजरेटर्स से दे रहे हैं, लैपटॉप मोबाइल टैबलेट्स बच्चों स्पेशल स्टडीज़ लिए वाईफाई टैबलेट्स से एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। ईवेंट का इंजॉय के नाल नाल असी इलैक्ट्रॉनिक्स हर घर घर पहुँचाने का ठेका चुकया है, वो असी करके रहेंगे इस 31 दिसंबर तक। स्वर्गीय रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा बहुत ही प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ के साथ साथ बहुत बढ़िया इंसान थे। उक्त बातों का प्रगटावा अकाली दल के नेता और श्रोमणी अकाली दल के उप प्रधान राजबीर सिंह पखोके ने किया। उन्होंने कहा कि रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा के जाने से पार्टी और उनके परिवार तथा पंजाब को जो घाटा पड़ा है वह कभी पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुरा की काबिलियत के कारण ही उन्हें माझे का जर्नैल कहा जाता था। वह 2 बार MP, 2 बार मंत्री और 4 बार विधायक रहे। वह बेदाग शख्सियत थे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक के अलावा उनके परिवार के साथ घरेलू संबंध भी थे। वह जब भी एक दूसरे से मिलते थे तो बड़े प्यार और अपनेपन के साथ
मिलते थे। उन्होंने वाहेगुरु के समक्ष अरदास की कि वह उन्हें अपने चरणों में जगह दे। इस मौके पर किशन सिंह पखोके, सुखदेव सिंह बाट, जुगराज सिंह, कुलदीप सिंह, प्रभजोत सिंह, शेर सिंह भी मौजूद रहे। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। बहुत ही उगे सियासतदान जथेदार सरदार रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा साहब का जो देहांत होया उहदा संबंध विच एकत्र होए हैं। बहुत ही ज़्यादा अकाली दल नूं घाटा पिया, सानू निजी तौर पर बहुत घाटा पिया। साढ़े बहुत उन्हां नाल वधिया रिलेशन सी, रिश्तेदार सी। बाकी अकाली दल विच दो नंबर ते सी, बड़िया औंकड़ां उन्हां झल्लियां, बड़िया जेलां कट्टियां। इस अपने माझे दे थम सी, कोई भी उन्हां को काम कार जांदा सी, बड़ी आस नाल जांदा सी, तो वह हर एक का काम करदे सी। वह किसी एक दे नहीं, सारिआं दे बापू खवाउंदे सी। तो बहुत दुख बैठे हैं। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने नशीली गोलियों के अलग अलग मामलों में 12 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में नशीली गोलियों सहित हजारों की ड्रग मनी की बरामद। बठिंडा पुलिस ने 10 टीमें बनाकर चलाया सर्च अभियान। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित कई सार्वजनिक स्थानों की चेकिंग। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस के ATGP राम सिंह की अगुवाई में जालंधर बस स्टैंड पर चलाया गया चेकिंग अभियान। संदिग्ध लोगों की हुई जांच। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।